एक झटके में जिन खिलाड़ियों को बनाया था आईपीएल ने बहुत बड़ा स्टार, आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं 22 गज के ये कलाकार। कोई सचिन बनने वाला था, कोई वान जैसी स्पिन करता था, 22 गज की पट्टी पर बल्लेबाजों का काल बन जाता था। किसी ने खिताब दिलाया, किसी ने रिकॉर्ड बनाया, किसी ने नाम कमाया, अब कोई गायब है, कोई खेती करने तक मजबूर है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल एक ऐसा मंच जो घरेलू क्रिकेट के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के खेल को उभार कर सामने लाने का काम करता है। कई ऐसे खिलाड़ी आईपीएल से सामने आए हैं जिन्होंने टीम इंडिया के लिए क्रिकेट तो खेला ही है और खूब नाम कमाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपने नाम को दर्ज कराया है। इसी लीग में खिलाड़ी अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, जिसके दम पर उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में शामिल होने का मौका मिलता है। ऐसे ही कई खिलाड़ियों ने अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी से दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है। वहीं बहुत से क्रिकेटर ऐसे भी आए हैं जो बेहतर खेल के बाद भी एकदम से गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। जिन्होंने एक वक्त आईपीएल में नाम कमाया, वो आज अपनी पहचान के मोहताज हो गए हैं, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग ने स्टार तो बनाया लेकिन अब बेबस होकर जिंदगी जी रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कामरान खान का। आज जी हाँ, आईपीएल 2008 की शुरुआत में कई युवा सितारों को खेलने का मौका मिला था। 2008 के ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी ने कामरान को टीम में शामिल किया था। वो भारत के भविष्य के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक माने जा रहे थे। कामरान की खोज सदी के सबसे महान स्पिनर्स गेंदबाज शेन वॉन ने की थी। कामरान आईपीएल के पहले ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने सुपर ओवर की शुरुआत की थी। कामरान लगातार 140 की तेज रफ्तार से गेंदबाजी किया करते थे, जिसको देखकर यह माना जा रहा था कि वो भविष्य में टीम इंडिया से स्टार गेंदबाज बन सकते हैं। लेकिन अब वो खिलाड़ी एकदम से इंटरनेशनल क्रिकेट से गायब हो गया है। आईपीएल में 9 मैचों में 9 विकेट लिए हैं। कभी कामरान खान को खेती तो कभी मजदूरी करते हुए भी देखा गया है। राहुल शर्मा, 37 साल के स्पिनर गेंदबाज राहुल शर्मा ने आईपीएल के अपने पहले ही सीजन में पुणे वॉरियर्स की तरफ से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। राहुल पुणे की तरफ से 14 मुकाबले खेले थे जिन्होंने उन्होंने 16 विकेट चटकाए थे। इसी परफॉर्मेंस के बूते उन्होंने टीम इंडिया में बुलावा मिला था। इसके पहले ही वनडे में वीरेंद्र सहवाग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ दोहरा शतक जड़ दिया था। हालांकि उनका करियर रेव पार्टी, चोट और खराब फॉर्म की वजह से खत्म हो गया था। उन्होंने 28 अगस्त 2022 में एक नोट के जरिए क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की थी। स्वप्निल असनोडकर, आईपीएल के पहले संस्करण में स्वप्निल असनोडकर ने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी की थी। स्वप्निल गोवा के रहने वाले थे और सचिन तेंदुलकर की तरह ही छोटे कदकाठी के थे। राजस्थान को खिताब जिताने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा था। वो भारत का अगला सचिन भी माने जाने लगे थे। स्वप्निल असनोडकर 2008 के आईपीएल में ग्रेम स्मिथ के साथ पारी की शुरुआत की थी। इस दौरान उनके बीच कमाल की साझेदारी भी हुई थी। स्वप्निल असनोडकर 9 मुकाबलों में 134 के शानदार स्ट्राइक रेट से 381 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक भी निकले थे, लेकिन इसके बाद आईपीएल के अगले दो सीजन में केवल 120 रन ही बना पाए। इसके बाद किसी भी अन्य फ्रेंचाइजी ने उन पर दिलचस्पी दिखाना ही बंद कर दिया था। मनन बोहरा, मनन को 2013 में किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने साथ शामिल किया था और 2017 तक अपने साथ हर सीजन 4 करोड़ रुपए देकर शामिल कर रखा था। उनको 2018 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के साथ मैच खेलने का मौका मिला। बेंगलोर ने मनन को अपने साथ शामिल करने के लिए 1,10,00,000 रुपए की खर्च किए थे। उनको इसके बाद आईपीएल की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने अपने साथ महज 20,00,000 रुपए में शामिल किया था। और 2022 में भी मनन को फिर से राजस्थान रॉयल्स ने अपने साथ शामिल किया, लेकिन हर साल अपने खराब प्रदर्शन से टीम को निराश ही किया है। हालांकि उनका शुरुआती आईपीएल करियर काफी शानदार गुजरा था, उसके बाद वो हर साल आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने 55 आईपीएल की 50 पारियों में 131 के स्ट्राइक रेट से 1,073 रन बनाए हैं। वहीं उनके बल्ले से महज 3 ही अर्धशतक आई थी। पॉल वलथाटी, पॉल वलथाटी आईपीएल के इतिहास में उन गुमनाम खिलाड़ियों में आते हैं जिनका करियर कुछ ही मैच खेलने के बाद खत्म हो गया था। वलथाटी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 2011 में एक यादगार पारी खेली थी, जिसके बाद वो लाइमलाइट में आ गए थे। वलथाटी चेन्नई की तरफ से अकेले लड़ते हुए महज 63 गेंदों में 120 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। उनकी पारी के दम पर ही पंजाब को जीत मिली थी। उन्होंने इस पारी में 19 चौके और 2 छक्के जमाए थे। इसके बाद उन्होंने 47 गेंदों में 75 रनों की पारी भी खेली और अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से 4 विकेट भी हासिल किए थे। इसके बाद उनके आंख की चोट की वजह से वो क्रिकेट से एकदम गुमनाम हो गए। ये वो चेहरे हैं जिनको कभी कभी याद किया जाता है। ये खिलाड़ी गुमनामी की ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसके बारे में ना किसी को पता है ना कोई खबर रखता है। कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती, और ऐसा ही कुछ इन खिलाड़ियों के साथ भी हुआ है। एक पल स्टार तो दूसरे पल बेकार। अब जब क्रिकेट की बात की जाएगी, आईपीएल की बात की जाएगी, तो इन 5 खिलाड़ियों का नाम जरूर लिया जाएगा।